महिला मोर्चा की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से, ये कुल मिलाकर के कार्यक्रमों का एक श्रृंखला है। बाकी शेष जो हम सब लोग तय किए हैं, तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम था वो मैंने आप सबके समक्ष पूरी के पूरी कार्यक्रम को मैंने रख दिया है। बाकी हमने कहा कि जो नाम है वो आप सब लोग इनसे आराम से ले लीजिएगा, जो राइटिंग जो लिखते हैं उनके लिए काम आएगा। विजय क्या बोलते हैं एक दूस के लिए, तो हमको लगता है कि बहुत मुश्किलें होगी उतना, अगर उसको चलाना होगा तो वही करने की कोशिश करनी है। और मेरा ओर से जितना मेरे ओर से जो विषय था मैं आपके साथ के सामने रख दिया। अगर आपको कुछ उससे पूछना हो, कुछ और समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत ठीक है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जितने भी शरणार्थी और धर्मावलंबी है, शरणा से जितनी भी जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल, क्या उनके श्रद्धा का केंद्र बिंदु है? भारतीय जनता पार्टी उसको पहले भी सुरक्षित करती रही है, संरक्षित करती रही है, विकसित करती रही है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। बाकी तो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, क्योंकि उनसे जितनी भी जुड़े हुए आप देखेंगे, जब बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासियों में जिसका जाहिर खान था उसकी घेराबंदी करना, उसकी तरक्की सुरक्षित करना, उसको डेवलप करना, उनकी जहां जहां भी श्रद्धा स्थल है उसको भी विकसित करने का, चाहे लोगों को हो, चाहे इस प्रकार के और जहां कहीं भी कोई भी जगह हो उसको हम लोग डेवलप करेंगे, उसको हम लोग विकसित करें, क्योंकि हम चाहेंगे कि आदिवासियों की जो परंपरा है वो उनके सुरक्षित रहे, उनको हम विकसित कर सके, उनके प्रति जो गर्व कर सके, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती, ये कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। नहीं संदेह की कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक राज्य के चुनाव में, अभी भी आप देखेंगे जिन जिन राज्यों में चुनाव है सब जगह लोगों को लगाएंगे, एक साथ दो बड़े चेहरे लगाएंगे तो बड़े चेहरे ही लगाएंगे ना। अब क्या चाहते हो, चेहरे की ओर से लगा रहे आप छोटा चेहरा लगा वैसे बेहतर चले गए। पिछली बार क्या बोले, पिछली बार लोकसभा चुनाव में 65% का नारा दिया गया था, इस बार कितना? अरे पिछले बार लोकसभा में कहा दिया गया, हमने कहा कि कल आप सब लोगों के समक्ष भाई भैया हमारे प्रभारी जी ने क्या कहा कि हम इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा के चुनाव में 52 सीटों पर लेकर दिया। हमारी कोशिश रहेगी कि उन सारे सीटों को लीड को हम बरकरार रखते हुए और हम आगे की तैयारी करें। हमने पहले से हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, जो बैठक हुई आप लोगों और आदिवासी मतदाताओं को जो जीतता आपको क्या कह सकते हैं यार?